الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے میں نے قرآن مقدس کی جو سورت تلاوت کی ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ قرآن کریم کی وہ عظیم سورت ہے جسے ہر مسلمان جانتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے بلکہ یہ اتنی اہم سورت ہے سورۃ الفاتحہ قرآن کھولے بندہ تو پہلی نظر ہی اس سورت پہ پڑتی ہے آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے اس سورت کی عظمت فضیلت فوائد خصوصیات ذکر کروں گا اور اگر وقت ہوا تو اس کی تفسیر میں بھی جائیں گے اور اگر وقت کا دامن کم ہوا تو انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جو ہے وہ اس کی تفسیر پہ ہم لگائیں گے یہ سورت اتنی اہم ہے کہ بعض محدثین اور مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے سورۃ فاتحہ کا سیکھنا اور یاد کرنا ضروری ہے کس کے لیے ایمان کے لیے آپ حیران ہوں گے بھئی ایمان کے لیے تو صرف لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ کافی ہے تو فاتحہ کیسے آگئے
वो फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद जो सबसे अहम फरीजा है वो है नमाज। और नमाज फातिहा के बगैर नहीं होती, हर रकअत में फातिहा पढ़ी जाती है। और नमाज कुफर और इस्लाम के दरमियान क्या है, फर्क है। तो अब आप बताएं, जिस शख्स को फातिहा नहीं आती तो समझो वो नमाज नहीं पढ़ता, और जब वो नमाज नहीं पढ़ता पूरी जिंदगी यूं ही गुजार देता है तो उसका ईमान कैसे मोतबर होगा। इतनी अहम सूरत है, एक रुकू 7 आयात पर और 130 हरूफ पर मुश्तमिल ये सूरत है, लेकिन जामियत के एतबार से इतनी अहम और इतनी जामे है कि पूरे कुरान को अपने अंदर समोती है, इतनी अहम है ये सूरत। और आप जानते हैं कि कुरान करीम की बाज सूरतें बाज आयात को अपनी अलग अलग खसूसियात रखती हैं। मसलन अगर आपसे पूछा जाए कुरान की सबसे जामे तरीन आयत कौन सी है, तो आप कहेंगे सूरह नहल की आयत 190 है। कुरान कहता है इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल इहसान وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ। कुरान की सबसे ज्यादा डरा देने वाली आयत وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, डरो उस दिन से जिस दिन में तुम अल्लाह की तरफ लुटाए जाओगे, बारगाह इलाही में पेश किए जाओगे। और कुरान करीम की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, ये सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाती है गुनाहगार बंदे को कि अगर मेरे गुनाह जितने भी ज्यादा हैं लेकिन रब ने दरवाजा फिर भी बंद नहीं किया है। अजीब जुमला है, और इमाम राजी ने तो अजीब इस्तिदलाल किया है। वो फरमाते दुनिया का कानून है, बंदा जिसका नुकसान कर जाए, जिसकी चट्टी उसके ऊपर आ जाए तो तावान जिसका होता है, तावान करने वाला चट्टी वाला बंदा सारी जिंदगी उससे मुंह छुपाए भागता है। ऐसा है कि बल्कि अगर दूसरे लफ्जों में कह दूं तो बंदा किसी से कर्ज ही ले ले जी, और फिर देने का न इरादा हो न हिम्मत हो तो क्या करता है, फिर रास्ते बदलता है, फिर ताल्लुक ही खत्म कर देता है, भागता है साहिब हक से। लेकिन वाहिद जात है जिसने इस दस्तूर को तोड़ दिया कि आप जिसकी चट्टी तले तावान तले होते हैं आप तो भागते हैं, एक मैं तुम्हारा रब हूं कि मेरी मेरे जराइम गुनाह कर करके तुम पे चट्टियां पड़ चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी दरवाजा खोल के कहता हूं फफिरू इल्लाह, किसी और की तरफ ना भागो, भागो तो फिर भी मेरे पास भागे आओ, फफिरू इल्लाह, फिर भी अल्लाह की तरफ भागो। तो कुरान मुकद्दस की कुछ आयतें, सबसे अजमत वाली आयत
आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। इसी तरह कुरान करीम की सबसे ज्यादा अजमत वाली सूरत है वो सूरतुल फातिहा है। कौन सी सूरत है? आप दिमाग हाजिर रखेंगे तो हम ये सफ़र इकट्ठा करते जाएंगे और कुरान और सुन्नत के ये अनवारात अपने सीनों में समेटते जाएंगे। सबसे ज़्यादा अजमत वाली सूरत कुरान की सूरतुल फातिहा है। अल्लाह, कुरान मुकद्दस कहता है वलकद आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अजीम। सूरह हिजर और सूरह फातिहा भी मक्की सूरत है। वलकद आतैना का फातिहा की अजमत बता रहा हूं कुरान से, फिर हदीस की तरफ आऊंगा। अलबत्ता तहकीक मेरा पैगंबर, हमने आपको दी है सब अमिनल मसानी सात दोहराई जाने वाली आयतें। वल कुरान अल अजीम और कुरान अजीम दिया है तो सात दोहराई जाने वाली आयतों से मुराद सूरतुल फातिहा है। जैसे हर नमाज में हर रकात में दोहराया जाता है, ऐसा है कि नहीं? अल्लाह, ये सूरह फातिहा सात दोहराई जाने वाली आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इसकी अजमत सुनिए जरा। हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, फदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नबी करीम ने आवाज दी। सईद बिन मुअल्ला फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज दी। फलम अजिब हूं, मैंने जवाब नहीं दिया। और जब आया तो नबी करीम ने फरमाया, अबू सईद जब मैंने बुलाया क्यों ताखीर कर दी, क्यों नहीं आए फिलफौर? फरमाया कुल तो मैंने कहा कुन तो उसल्ली, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था। काला नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलम यकुलिल्लाह, ओ अबू सईद क्या अल्लाह का फरमान तूने नहीं सुना? क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाया करो। अल्लाह, क्या अजीब इस्तदलाल है, कुरान की आयत है। फरमाया अबू सईद क्या आपने नहीं सुना अल्लाह का फरमान, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाया करो। यानी जब मैंने पुकारा तो आपको नमाज तोड़ के हाजिर हो जाना चाहिए था। अल्लाह, कुरान की आयत पढ़ी, ये तो आपको तंबीह कर दी, अदब सिखलाया, उसके बाद क्या फरमाया? सुम्मा काल ली, फिर फरमाया अबू सईद कहते हैं नबी करीम ने फरमाया लाउअल्लिमन्नका सूरतन ही आज़म सुवर फिल कुरान, ओ मेरा शागिर्द अबू सईद, मैं तुझे कुरान की सबसे ज्यादा अजमत वाली सूरत सिखलाऊंगा। आज़म सूरतन फिल कुरान, कुरान की सबसे ज्यादा अजमत वाली सूरत सिखाऊंगा। कबल अंत खुरुज मिनल मस्जिद, इससे पहले पहले कि तू मस्जिद से निकले। सुम्मा अखज़ बियदी, फिर मेरा हाथ पकड़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने। फलम्मा अरादा अन यखरुजा, जब आप मस्जिद से निकलने लगे
कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम तकुल उअल्लिमन्नका सूरतन हिया आज़मु सूरतिन फिल कुरान, क्या आपने नहीं फरमाया था कि आपकी मस्जिद से निकलने से पहले पहले मैं कुरान की सबसे ज्यादा अजमत वाली सूरत आपको सिखाऊंगा। काला जवाबन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा पढ़ी, फरमाया यस्सबुल मसानी वल कुरानुल अजीम अल्लज़ी ऊतीतुहु, यही वो सबुल मसानी है, सात दोहराई जाने वाली आयतें हैं और यही फातिहा कुरान अजीम है। तो फातिहा का एक नाम सबुल मसानी और एक नाम कुरान अजीम है। यस्सबुल मसानी वल कुरानुल अजीम, यही वो सात दोहराई जाने वाली आयतें और कुरान अजीम है। अल्लज़ी ऊतीतुहु, जो मुझे दी गई है, जिसे मुझे नवाजा गया है। सही बुखारी, अंदाजा लगाएं कितनी अजमत वाली आयत है, सूरत है, और इसकी अजमतें क्या क्या बयान करता जाऊं। मौत्ता इमाम मालिक सुनने तिर्मिजी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत उबय इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया ए उबय मा अंज़लल्लाहु फित तौराति वला फिल इंजीले वला फिल कुरान मिस्ल उम्मिल कुरान, अल्लाह ने तौरात में, इंजील में, जबूर में, कुरान के अंदर भी सूरह फातिहा जैसी कोई सूरत नाजिल नहीं की, न तौरात में, न इंजील में, न जबूर में, न ही कुरान में सूरह फातिहा जैसी सूरत है कोई। इतनी अजमत वाली सूरत, इतनी शान वाली सूरत है ये। और यही नहीं, जरा आप सुनिए और लुत्फ उठाइए, क्या कमालात हैं इस सूरत के और क्या अजमतें हैं इस सूरत की। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, कौन से इब्ने अब्बास, जिन्हें दुनियाए हदीस में, दुनिया इलम में नाम दिया जाता है तर्जमानुल कुरान, हिबरुल उम्मत, उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कहा जाता है। 14-15 साल की उम्र है, लेकिन बदरीन सहाबा के बराबर उनको बिठाया जाता है, जलील कदर सहाबा के बराबर उनको बिठाया जाता है। किसी ने हजरत उमर से पूछ ही लिया था कि उमर, आप इब्ने अब्बास को जो 14-15 साल के लड़के हैं, आप उनको हमारे बराबर बिठा देते हैं, हालांकि हमारे बच्चों के हम उम्र हैं, हमारे बच्चों से भी छोटे हैं। तो हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह की कसम, मेरी क्या हिम्मत है, आपको पता है इसे आपके बराबर बिठाया है तो कुरान के इलम ने बिठाया है। इसके उम्र की तरफ ना देखो, इसके इलम की तरफ देखो कि कुरान का कितना इलम है इसके पास। और क्यों ना हो हरिपुर वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत में रहे। एक दिन ऐसा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम हाजत के लिए जा रहे थे, ये तो छोटी उम्र के थे ना, इन्हें ख्याल आया कि भाई जब हाजत के लिए जा रहे हैं तो जरूर पानी की भी जरूरत पड़ेगी, आप आएंगे तो वजू भी फरमाएंगे। तो ये फौरन गए कुएं में, डोल डाला, बोका निकाला डोल, और लोटा भरा और जाके नबी अलैहिस्सलाम के पास रख के आ गए। नबी अलैहिस्सलाम जब हाजत से फारे होते हैं, देखते हैं लोटा पड़ा है, फरमाया मम वजा अली हादा, किसने रखा है।
ये डरते हुए कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने रखा है। नबी करीम ने फरमाया किसी ने हुक्म दिया था? फरमाया नहीं, किसी ने नहीं कहा, मेरे अपने दिल ने कहा। फरमाया फिर उठिए, उठाया और फरमाया करीब हो जा मेरे। नबी करीम ने इब्ने अब्बास को यूं अपने सीने से दबा लिया। अल्लाह अकबर, सीना नबूवत है, कौन सा सीना? अलम नशरह लका सदरक वाला। उस सीने से जब आपने यूं लगाया, दबाने के बाद क्या फरमाया? फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वत्तावील। अल्लाह मेरे चचाजाद भाई इब्ने अब्बास को अपनी किताब का इलम अता कर दे। जब नबी की दुआ पा गया तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि उनका इलम कितना होगा। उनसे सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नु फरमाते हैं, कहते हैं एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जिब्रील बैठे हुए थे। जिब्रील बैठे हुए, अचानक ऊपर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। आसमान में दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बंदा दरवाजा खोलता है। जिब्रील ने ऊपर सर उठा के देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निगाहें उठाई तो जिब्रील ने क्या फरमाया? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये वो दरवाजा है आसमान का जो आज से पहले कभी नहीं खुला है। ये दरवाजा पहले कभी नहीं खुला और इससे जो फरिश्ता आज उतर के आ रहा है, ये फरिश्ता भी कभी आसमान से नीचे नहीं आया, ये पहली दफा आ रहा है। जब ये मंजर, तवज्जो उधर ही हो गई, निगाहें उधर ही लग गई, वो फरिश्ता आके क्या 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 कहने लगा? कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब शिर बिनूरैने, आपको मुबारक हो, आपको खुशखबरी हो, दो नूरों की अल्लाह ने आपको दो नूर अता किए जो आपसे पहले किसी नबी को भी अल्लाह ने वो नूर नहीं दिए। फरमाया कौन से दो नूर है जो किसी नबी रसूल को नहीं मिले आपके अलावा? वो क्या है? फरमाया पहला नूर फातिहतुल किताब, सूरह फातिहा है, और दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी आयतें। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की ये दो नूर हैं। अब जो आखिरी जुमले हैं वो भी जरा सुन लीजिए और ईमान ताजा कर लीजिए। फरमाया ये वो दो नूर हैं कि जब भी आप पढ़ेंगे, जो शख्स ये दो आयतें पढ़ेगा उसकी मांगी हुई हर चीज उसे जरूर दी जाएगी। तो हमें फातिहा की अजमत, दोस्तों तवज्जो है, आप जरा अंदाजा तो लगाएं, एक तो फातिहा की अजमत, सूरह बकरा की आखिरी आयतों की अजमत, दूसरी आपके लिए एक चीज मिल गई कि फातिहा पढ़ के जब दुआ करोगे रद्द नहीं जाएगी। यह सही हदीस है जो मैंने आपके सामने पेश की है, सही मुस्लिम की है। अल्लाह, तो ये वो नूर है जो आपको दिया गया है। और कल किसी आलिम का एक कौल पढ़ा, मैं बड़ा लुत्फ उठाया उससे। वो कहते हैं ये इस उम्मत की खसूसियत है, मेरे नबी की उम्मत की खसूसियत है,
कुरान की तिलावत सिर्फ इनको मिली है, फरिश्तों को भी तिलावत नहीं दी गई। आप पूरे अहादीस का ज़खीरा पढ़ लें, आपको ये तो मिलेगा फरिश्ते कोई सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, कोई रुकू में हैं, कोई सजदे में हैं, कोई सुब्बुहुन कुद्दूसुन पढ़ते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई फरिश्ते तिलावतें भी नहीं। तिलावत कुरान ये तोहफा, ये एजाज अल्लाह ने इंसानों को दिया है, फरिश्तों को भी नहीं दिया। तो जब फरिश्तों को भी नहीं दिया, तो जब इंसान तिलावत करता है तो फरिश्ते की भी तड़प होती है कि ये कुरान पढ़े और मैं बैठ के सुनता जाऊं। फरिश्ता भी इस तलब में होता है कि कोई इंसान कुरान पढ़े और हम सुनने आ जाएं। आपने मेरी जुबान से कई दफा ये सुना होगा कि मजलिस सहाबा में फरिश्ते कुरान सुनने के लिए आया करते थे। अल्लाह, सूरत फातिहा की बात कर रहा था, आजम सूरत फिल कुरान, और नसाई की हदीस है, तिर्मिजी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मा उन्ज़िलत फित तौरात वला फिल इंजील वला फिल ज़बूर वला फिल कुरान मिसलुहा, तौरात इंजील ज़बूर और ना ही कुरान में फातिहा जैसी कोई सूरत उतारी गई है, व इन्नहा सब मिन अल मसानी वल कुरान अल अज़ीम, यही सात दोहराई जाने वाली आयतें और यही कुरान अजीम है। और अजमत मजीद सुनिए, अल्लाह अकबर, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमें नबी करीम ने भेजा था, चंद आदमियों की जमात थी और मुझे अमीर बनाया था, सफर पे भेजा। सुनने की बात है, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया हम चलते चलते थक गए, एक बस्ती से हमारा गुजर हुआ, हमने बस्ती वालों से कयाम ज़ियाफ़त का मुतालबा किया, हमारी मेहमाननवाजी तो कर दें, थके हैं, मजबूरी है। फअबौ अन युज़य्यिफ़ूहुम, उन्होंने इनकार कर दिया, भाई जाओ अपना काम करो, हम तुम्हारी कोई मेहमान नवाजी नहीं करते। ये हदीस सुनने के लायक है और फिर समझने की भी जरूरत है। इनकार कर दिया मेहमान नवाजी से, सहाबाए किराम अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की इमारत में वहीं ठहर गए, अभी चले ही नहीं थे, ज्यादा नहीं चले थे, करीब ही थे कि उसी बस्ती का सरदार, उसे बिच्छू ने डंस दिया, सांप लड़ गया उसे, जब बिच्छू बारह लेक चीज उसे डंस दिया उसको, अब सारे गांव में उसका इलाज हो रहा है, इलाज ही नहीं हो रहा, तकलीफ बढ़ती जा रही, दवाइयां हो रही हैं, नुस्खे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बंदा ठीक नहीं हो रहा। तो किसी होशियार ने कहा अल्लाह के बंदो, ये मुसाफिरों का काफिला गुजर रहा था, हो सकता है इसमें किसी के पास कोई हकीम हो, कोई नुस्खा हो, या कोई झाड़ फूंक करने वाला, दम करने वाला हो तो हमारा काम हो जाए। सरदार उठाए उठाए आगे, जी ओ काफिले वालों, हमारा लीडर उसे कोई डंस के चला गया, कोई चीज मर रहा है, अगर आप में से कोई दवाई हो किसी के पास या कोई दम करे। अबू सईद कहने लगे, मैंने कहा नहीं, आपका रवैया ये था कि हमारी मेहमान नवाजी भी नहीं की, झिड़क दिया, इनकार कर दिया, इतना इकराम भी हमारा नहीं किया आप लोगों ने, मैं नहीं करता हूं दम, है मेरे पास, मैं करता नहीं हूं, हां दम करूंगा एक शर्त पर कि हमें कुछ एवज दोगे, बदला दोगे। तो वो कहने लगे अच्छा इस तरह करते हैं, हम 30 बकरियां आपको दे देंगे, इतनी बकरियां दे देंगे, बस किसी तरीके से आप दम कर लो।
अबू सईद कहते हैं मैंने कहा ले आओ कहाँ है जिसको डसा गया है। जब वो लाए मैंने आप डसी हुई जगह के ऊपर हाथ रखा, सात मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जब वो ठीक हुआ तो उन्होंने कहा बकरियां दे दो इनको, तो बकरियां तो इनको मिल गई। अब रास्ते में इख्तिलाफ पड़ गया, किसी ने कहा जी अब ज़बह करो, अब शुरू कर दो तकसीम करो, इतना माल मिल गया। ने कहा नहीं, काम तो हमने ओपरा सा किया है, अब जब तक नबी अलैहिस्सलाम के पास जाके उनसे राय नहीं लेंगे, पूछेंगे नहीं, तो कोई फैसला नहीं होगा। आ गए फज़ाकरु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे नबी करीम से सारा वाकया सुनाया। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन अयना अलिमतुम अन्नहा रुकियतुन, अल्लाह के बंदो तुम्हें कैसे पता चल गया कि इससे दम भी होता है। सुन लो अहसन तुम, तुमने अच्छा किया है। वज़री बूली माकुम बिसहमिन, उन बकरियों में मेरा हिस्सा भी रखो, तुमने अच्छा किया है मेरा भी हिस्सा रख लो। अब इस हदीस से कुछ चंद चीजें समझ में आ रही हैं, उसकी वजाहत जरूरी है। एक ये कि फातिहा में जिस्मानी इलाज और शिफा भी है, और खासकर सांप बिच्छू का डसा हुआ मरीज हो तो उसे शिफा मिलती है, बेहतरीन दम है सूरह फातिहा उसके लिए। एक बात तो ये वाजे हो गई। और किसी आलिम ने बड़ा अजीब इस्तेदलाल किया है, वो कहते हैं ये कबीले वाले, ये गांव वाले मुसलमान भी नहीं थे, अगर मुसलमान होते तो मुसलमान मुसाफिरों का ख्याल तो करते ना, मुसलमान भी नहीं थे। वो कहते हैं जब फातिहा का दम उस शख्स पर किया गया जो महल भी नहीं है, दम के लायक भी, काफिर है या गैर साले कम से कम यकीन भी नहीं रखने वाला, तो अगर इसका असर उस पर है तो जो फातिहा को समझता भी हो मानता भी हो उसके ऊपर पड़ा जाए तो क्यों कर असर ना होगा। जब ऐसे लोगों पे असर करता है तो एक मोमिन पे आप दम करेंगे तो क्यों असर नहीं होगा। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने इससे एक नया मसला समझ लिया कि जी बादशाह बस गद्दी बना लो, दम करो और पैसे बटोरो, तो उन्होंने इस हदीस को अपनी दुकानदारी के लिए दलील बना दिया और अब बाकी सारा काम छोड़ के बाकायदा एक मकान में बैठ गए हैं, बाहर लोग टिकट वाले खड़े हैं, ठीक है जी, वो टिकट भी तकसीम कर रहा है जिस तरह डॉक्टर के पास लाइनें लगी होती हैं, और फिर आते हैं फिर पैसे लिए जाते हैं। दलील हदीस है। उलमा ने फरमाया इस हदीस से किसी सहाबी ने ये इस्तेदलाल कभी नहीं किया कि यार इतनी परेशानी का दौर है, चलो कोई एक सहाबी गद्दी बना के बैठ जाता और लोगों को कहता आओ दम कराई जाओ, जी उन्हें वो इस्तेदलाल नहीं मिला और आपको मिल गया। फिर दुकान ही आपने बना ली, तिजारत ही आपने शुरू कर ली, तो वो कहते हैं उन्होंने जो लिया उसका जवाब भी मुहद्दिसीन ने दिया है। फरमाया उसका जवाब ये दिया कि असल में वो लोग काफिर थे, उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार किया था, तो फिर जब इनकार किया था और मजबूरी की हालत थी तो उनसे लिया हुआ माल ये माल गनीमत था। क्या था? और गनीमत की वजह से तभी तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मेरा हिस्सा भी रखो, अगर ये दम की उजरत होती तो फिर जिसने दम किया हिस्सा सिर्फ उसी का होता, नबी अलैहिस्सलाम अपना हिस्सा इसमें ना मांगते। नबी ने जो हिस्सा मांगा है दलील है ये माल गनीमत के तौर पर लिया है। हमारे लिए सबक ये है, हाँ कोई बंदा आपको मिलता है आ जाए आप उसको दम कर दें,
अगर आप नहीं कर सकते उसे कह दें ये सूरत पढ़ के दम कर लो। कुरान वही है, पढ़ने वाले पढ़ते जाएं, अमल करते जाएं और काम होता जाएगा। लेकिन इसको ऐसी तिजारत का जरिया, दुकानदारी का जरिया बनाना किसी तौर भी जायज नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि सूरह फातिहा इतनी अजमत वाली शान वाली सूरत है, और जरा सुनिए सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा शान अजमत इतनी है कि इसके 50 के करीब लगभग नाम हैं। कितने नाम हैं? 50 तक मुस्तकिल तसानीफ और जिल्दों में इसकी तफासीर लिखी गई हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला की तरफ एक कौल मंसूब है, फरमाते हैं अगर सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर लिख दूं तो 40 ऊंट लाद के चलें। इतनी जामे तरीन सूरत है, इतनी अहमियत की हामिल सूरत है। परेशान हो फातिहा पढ़ लो अपने दिल पे और दुआ करो अल्लाह मेरे दिल की परेशानियां दूर कर दो, देखना इसका असर क्या है। अल्लामा इब्ने कय्यम रहमहुल्ला बहुत बड़े आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर गुजरे हैं, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला के शागिर्द हैं, और ऐसी शागिर्दी की अपने उस्ताद की 16 साल तक। वो खिदमत की है कि एक दुनिया में मिसाल है। कहते हैं मक्का में था उमरे के लिए, बीमार हो गया था, तवाफ के दौरान यह हालत थी कि मैं चल नहीं सकता था और यूं लग रहा था कि मेरे दर्दों से मेरे वजूद के आज़ा गिरते हैं, टुकड़े हो रहे हैं। मैंने सब कुछ, हरकत भी मुश्किल थी, बैठ गया, जमजम का पानी पास लिया रखा और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। कहते हैं बस पढ़ता गया, इसी को काम समझ लिया। कहते हैं मैंने खुद इसका असर देखा, जहां दर्द होता वहां फातिहा पढ़ता जाता, वो दर्द वहां से यूं गिरता जैसे वजूद पे कंकरियां लगी हो और वो नीचे गिर रही हैं। पढ़ता और दम करता, दर्द सारे खत्म हो गए। कहते हैं वो जमजम के पानी पे जो दम किया, जब उसे पिया तो मेरे वजूद में इतनी ताकत आई जो किसी दवा और कुश्ते में नहीं होती। रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज है सूरह फातिहा। तो इसका एक नाम सूरतुल फातिहा है, सूरतुल फातिहा इफ्तिताही सूरत। सूरह फातिहा इसलिए कहते हैं कि कुरान का इफ्तिताह इसी से होता है, कुरान करीम का मुसहफ में आगाज इसी से होता है, इसी से कुरान का आगाज होता है। और एक नाम सूरतुस्सलात है। क्या नाम है? सूरतुस्सलात, नमाज वाली सूरत। इस सूरत को नमाज क्यों कहा गया है? आइए वो हदीस भी सुन लीजिए और फिर जब नमाज पढ़ो तो बकौल अल्लामा इब्ने कय्यम रहमहुल्ला के जब नमाज पढ़ते हो तो ऐसे फर 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 अगड़ 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 लग के नीचे ना चले जाया करो, जैसे मुर्गी जो है वो चोंच मारती है और दाने चुगती है। नहीं, वो कहते हैं ये तसव्वुर करके नमाज पढ़ो। कौन सा? अल्लाह फरमाते हैं कसम तु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन। हरिपुर वालों खुदारा आज दिल की तख्तियों पे लिख दीजिए ये हदीस कुदसी। हदीस कुदसी का मतलब ये है फरमाने इलाही बज़बाने मुस्तफा, कि फरमान अल्लाह का है और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह फरमाते हैं कसम तु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन,
मैंने सूरह फातिहा अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी है। अब आधी आधी साढ़े तीन आयतें मेरे हिस्से में, साढ़े तीन आयतें मेरे बंदे के हिस्से में, और इस तकसीम पे कुर्बान जाऊं, क्या अजीब तकसीम है। फरमाया इस तरह तकसीम की है, फैजा काल अल्लाहु, जब बंदा नमाज में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो काल अल्लाह, अल्लाह जवाब में कहते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है, हम्द की है। तो अल्लामा इब्ने कय्यिम कहते हैं जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह चुको ना, तो यूं इंतजार करो गोया तुम रब की बात जवाब का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि तकसीम है ना। बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है। वइज़ा काला अब्दी, और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, काल अल्लाह, तो अल्लाह जवाबन कहते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। वइज़ा काला अब्दु, और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, कि अल्लाह ही मालिक है रोजे जजा का, तो काल अल्लाह, अल्लाह जवाबन कहते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और एक दूसरी हदीस का लफ्ज भी मिला लेता हूं, बाज रिवायात में यूं भी आता है जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाते हैं फौज इलैया अब्दी, मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया है। वइज़ा काला, और जब बंदा फातिहा में पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा बैनी व बैन अब्दी, ये हिस्सा मेरा और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, ये हिस्सा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। वले अब्दी मा सआला, जो मेरा हिस्सा है वो तो मेरा है, और मेरे बंदे ने जो मांगा है वो उसके लिए। अब ये कौन सा अल्लाह का है, कौन सा बंदे का, सुन लीजिए। इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम खास तेरी ही इबादत करते हैं, ये अल्लाह का हिस्सा है, यानी इबादत अल्लाह का हक है, आपने अल्लाह को दे दी। व इय्याका नस्तईन, खास तुझ ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे बंदे का हिस्सा है, उसने इबादत मुझे दी है, तो मैंने अपनी मदद उसे दे दी है, मदद मांगी है मैंने, कर दी है। वइज़ा काला, और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब ये पढ़ता है काला, तो अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा लिअब्दी, ये हिस्सा सारा मेरे बंदे का है, हिदायत मांग रहा है, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांग रहा है, गजब किए हुए लोगों के रास्ते से पनाह मांग रहा है, गुमराहों के रास्ते से पनाह मांग रहा है। तो वले अब्दी मा सअला, जो मेरे बंदे ने मुझसे मांगा है मैंने अता कर दिया है। अब ये बंदा कोई समझेगा तो नमाज में ये तसव्वुर करेगा ना जी, समझेगा ही नहीं है तो वो तो यूं ही समझेगा कि फातिहा तो मुर्दों की सूरत है जी। कहते हैं मैं फलां जगह फातिहा खानी, किधर जी, जी मैं फातिहा कर रहा हूँ। ये अजीब नाम का रख दिया है, फातिहा कर रहा हूँ।
समझो तो सही फातिहा है क्या। तो मैंने एक नाम लिया सूरतुस्सलात, इसका नाम सूरतुस्सलात है, और इसका एक नाम है सूरतुश्शाफिया, ये रूहानी और जिस्मानी अमराज से शिफा है। इसका एक नाम सूरतुर्रुकिया, दम करने वाली सूरत है, इसके जरिए अपने आप को अपने बच्चों को भी दम किया करो। और इस सूरत का एक नाम है सूरतुल वाफिया, वाफिया पूरी पूरी। अब सूरतुल वाफिया क्यों कहते हैं, इसकी एक वजह यह है जो सुफियान इब्ने उयैना फरमाते हैं, इमाम राजी ने अपनी तफसीर कबीर में लिखी है, सुफियान कहते हैं इसको सूरतुल वाफिया इसलिए कहते हैं कि पूरे कुरान में बाकी जितनी भी सूरतें हैं आप उन सूरतों को अदा कर सकते हैं। क्या मसलन आधी सूरत पढ़ी और आधी छोड़ के अगली रकत में पढ़ लो, आधी सूरत पढ़ी आधी कल पढ़ लो, उसको अदा कर सकते हैं। लेकिन एक फातिहा है जिसको अधूरा और आधा नहीं कर सकते, पढ़ोगे तो इसको पूरा पढ़ोगे, इसलिए सूरतुल वाफिया। और एक वजह अल्लामा सुयूती ने लिखी है, वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं ले अन्नहा जमात लिल्लाही मालिल्लाही व बैन मालिल अब्दे। इस सूरत को पूरी पूरी सूरत इसलिए कहते हैं पूरी कर देने वाली, कि ये वो सूरत है कि इस सूरत में अल्लाह और बंदे के दोनों के हुकूक पूरे पूरे जिक्र हैं, अल्लाह का हिस्सा भी और बंदे का हिस्सा भी। और इस सूरत का नाम है सूरतुल किफाया, यानी ये वो सूरत है जो बाकी सूरतों की जगह काफ़ी हो सकती है, लेकिन बाकी कोई सूरत इसकी जगह काफ़ी। आप सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, बकरा पढ़ो, आले इमरान पढ़ो, निसा पढ़ो, मायदा पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो, कोई पढ़ो, लेकिन फातिहा की जगह कोई सूरत नहीं पढ़ सकते, यही पढ़ी जाएगी। और इस सूरत का एक नाम है तालीमुल मसअला, मांगने की तालीम, रब से मांगने का तरीका इसमें बताया गया है, और क्या ही खूब बताया गया है। हरिपुर वालों, जब बंदा किसी से कुछ मांगता है तो कम से कम ये तो जरूर तसव्वुर करता है कि मैं जिससे कुछ लेने जा रहा हूं उसके पास मेरी जरूरत की चीज है, क्या वो दे सकता है, एक नंबर। दो, उसका एहसान भी मानता है, तारीफ भी करता है। नंबर तीन, फिर आखिर में अपनी कमजोरी भी जिक्र करता है और फिर मुतालबा करता है। ऐसे ही है, कभी उस मांगने वाले को भी किसी ने दिया हो जो आकर डजा डजा गाड़ी का शीशा मांगे, दे वो 10 रुपया, तो कहते हैं जा भाई तेरे देने हैं मैंने। एक दफा एक हम स्टॉप पे सिग्नल की बत्ती रेड हो गई, हम खड़े हो गए, इतने में शीशे पे इतने जोर से दस्तक आई, मैंने कहा पता नहीं अल्लाह खैर करे कौन है शीशा तोड़ने वाला। जब शीशा नीचे किया कहते अल्लाह दा ना ने, मैं क्या अल्लाह दा ना है शीशे ना पनियो, तो ये को मांगने का तरीका नहीं। मांगने का तरीका बताया है, कितना बेहतरीन तरीका। जब आप कहते हैं किसी के पास अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह ने आपको नवाजा है, बहुत कुछ है, माल है, सब है, सेहत है, मैं कमज़ोर हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, अगर आप मेरे ऊपर एहसान कर दें जी, जब ये जुमले कहता है तो मामूली सा इंसान भी पिघल जाता है, सख्त दिल भी पिघल जाता है कुछ ना कुछ मांगने वाले को। अल्लाह फरमाते हैं फिर जब रब से मांगता है, पहले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी खूबियां सारी हमदें सारी बड़ाइयां किसके लिए हैं, सिफाते कार साजी अल्लाह के लिए, रहमान भी वही, रहीम भी वही, रब्बुल आलमीन भी वही है, कयामत के दिन का मालिक भी वही। पहले रब की शान की बड़ियाई बयान करता है,
फिर आखिर में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, अपनी कमजोरी हाजत भी बयान करता है, अल्लाह मेरी सारी कमजोरियां आजजियां तेरे सामने है। इबादत इज्ज है कि नहीं, बोलो। रब के सामने झुक जाने का नाम ही तो इबादत है। अल्लाह तो अपनी कमजोरी बयान करता है, रब की शाजोरी अपनी कमजोरी बयान की। अब जब दोनों चीजें हो गई तो अब क्या कहता है, कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह मांगने आया भी हूं तो वो चीज मांगने आया हूं जो सबसे कीमती है, वो है हिदायत। तो अब हिदायत का सवाल करता है। तो फातिहा वो तरीका है रब से मांगने का, इस नियत से पढ़ो फिर देखो मिलता है कि नहीं मिलता। समझ के ना पढ़ोगे तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हर तकरीर में पढ़ोगे लेकिन कब्रों की चाटते जाओगे। पढ़ोगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और कोई कब्र मिलेगी उधर जा झुकोगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को समझ लो। इमाम इब्ने कसीर, इंशाल्लाह मैं तफसीर अगले जुमे करूँगा, आपके 14 तबक रोशन होंगे इंशाल्लाह। क्या अजायबात हैं सूरत में, पूरे का पूरा दीन इन्हीं दो जुमलों के इर्द गिर्द घूमता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐसे मामूली जुमले नहीं हैं, समझने के हैं। तो इस सूरत का नाम सूरतुल कंज भी है, खजाना, बड़ा खजाना है। और इस सूरत का नाम सबुल मसानी भी है, और इस सूरत का नाम सूरतु शुक्र भी है। क्या है? तो वही तो जुमले हैं, जब पानी पीते हो तो क्या कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। जब कोई पूछे क्या हाल है तो क्या कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाने के बाद क्या कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो सूरत है सूरतु शुक्र, और ये सूरत है सूरतु तफवीज। इसमें बंदा अपनी ज़रूरतें, अपनी हाजतें और अपने आप को रब के सुपुर्द कर देता है। और इस सूरत का नाम सूरत है असासुल कुरान, कुरान की बुनियाद। क्या? असासुल कुरान। और इस सूरत का एक नाम है उम्मुल किताब, एक नाम है उम्मुल कुरान। बस ये तीन नाम तकरीबन तकरीबन जुड़ते हैं, खुदा रा तवज्जो चाहूंगा। असासुल कुरान, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब। असल को कहते हैं, जड़ को कहते हैं, बुनियाद को भी कहते हैं, क्योंकि माँ बंदे की जड़ है, इसी से जन्म लेता है। बात समझ में आ रही? इसी से जन्म लेता है एक। और जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो किसकी तरफ, बोलो। घर में एक बूढ़ी माँ हो, अगर 15 भाई भी होते हैं ना, तो माँ जिंदा होती है, सबको बांधे रखती है, सब उसी की तरफ जुड़ते हैं, सिमटते भी उसी की तरफ हैं, वो जड़ होती है। तो फातिहा उम्मुल कुरान, कुरान का असल, कुरान की बुनियाद है। ये क्यों कहा? इसलिए कि सारा कुरान समेटो तो फातिहा में आ जाता है। कुरान पूरे का पूरा फातिहा में पड़ा है। अल्लाह अकबर। और कुर्बान जाऊं, मेरे शेख के वालिद के शेख मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमुल्लाह कहते हैं, सारी आसमानी किताबों का खुलासा नचोड़ कुरान में है, पूरे कुरान का नचोड़ हवामी में सबा, जो 7 सूरतें हैं जो हामीम से शुरू होती हैं, और हवामी में सबा का खुलासा सूरतुल फातिहा में, सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और बिस्मिल्लाह का खुलासा इस बा में है। इंशाल्लाह जब मैं जुम्मे को खोलूंगा कि बा के अंदर कैसे है, तो आपको पता चलेगा कि ये बा कैसी बा है। तो इसका एक नाम उम्मुल कुरान है, कुरान का मगज है, कुरान की मुखुल कुरान भी कहते हैं, पूरे कुरान के मजामीन सूरह फातिहा में, इसीलिए इसको कुरान की शुरू में रखा गया है। और अगर आप गौर करें
तो जब आप पहला पारा है, पहले पारे पे जो नाम आता है वो क्या नाम होता है? फातिहा का नाम नहीं, पहले पारे पे कौन सा नाम लिखा जाता है? अलिफ लाम मीम। क्यों? इसको बिल्कुल अलग बतौर मुकद्दमा जिक्र किया है, पारे के साथ भी नहीं शामिल किया, बिल्कुल अलग रखा है कि यूं समझ लीजिए ये पढ़ लो, अगर पूरे कुरान सूरह फातिहा की तफसील चाहिए तो बाकी 113 सूरतें सूरह फातिहा की तफसील हैं। ये इतनी अहम सूरत है, अल्लाह हमें इसके समझने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले जुमे बर वक्त आने की कोशिश कीजिए ताकि हम बिस्मिल्लाह से आगाज करेंगे और इसके कमालात और इसकी तफसीर पढ़ेंगे, हर नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरत, हर रकत में पढ़ी जाने वाली सूरत। जब आप इतना जानते हैं कि ईमान और कुफर के दरमियान, इस्लाम और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, तो नमाज फातिहा के बगैर होती है, तो फिर फातिहा कितनी अहम है। इतना वक्त नहीं है कि आप पूरी तफसीर पढ़ सको, तो कम अज़ कम फातिहा की तफसीर दिमाग में रखो, पूरे कुरान का खुलासा आपके दिमाग में ताज़ा रहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।